हेलो एंड वेलकम टू इंडिया टीवी एंड यू आर वॉचिंग द डेली टैरो रीडिंग शो। मैं हूं मिस्टिक सोनिया और मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं टैरो रीडिंग से सारी 12 सन साइन के बारे में डेली का मैसेज आपके लिए। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी पहली राशि से, जो है एरीज, और हिंदी में हम इसको मेष राशि भी बोलते हैं। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या स्पेशल मैसेज हैं जो आज के लिए टैरो कार्ड्स बताना चाहते हैं। दो कार्ड्स आपके लिए मैं यहाँ निकालूंगी। पहला कार्ड है जजमेंट का और दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। जजमेंट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स साथ में ये एनर्जी बता रहे हैं कि चीज़ें जो हैं आपके लिए अनफोल्ड होंगी इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, बिकॉज ये जो करंट ट्रांजिट है वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल प्रूव होगा। करंट सैटर्न ट्रांजिट, यहाँ पे करियर वाइज आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, या आज कोई ऐसा कॉल हो या कोई ऐसा डिसीजन हो जो आपके ऑफिस में लिया जाए, या आपके बिजनेस वाइज आपका पार्टनर ले या आप लें, किसी भी तरीके के फिनेंशियल डिसीजन में ऐसी कोई एक चीज़ होगी, ऐसी कोई एक बात आज होगी जो आपके लिए आगे तक के लिए बहुत फ्रूटफुल प्रूव होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सन साइन विच इज टॉरस, और हिंदी में हम इसको वृषभ राशि भी कहते हैं। तो आइए भाई फेलो टॉरस, आप लोगों के लिए कार्ड्स क्या बोलते हैं देखते हैं। पहला कार्ड है 3 of Swords का कार्ड और दूसरा कार्ड है 8 of Cups का कार्ड। यहाँ पे मुझे दिल टूटने वाली फीलिंग आ रही है। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो सकता है आज जो बहुत ज़्यादा इमोशनली एनकरेजिंग ना हो आपके लिए, या आप किसी बात को लेकर के बहुत सोच में पड़ जाएं, बहुत सैड हो जाएं, हर्ट हो जाएं। तो आपको अपने इमोशंस का ख्याल रखना है और ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल नहीं रहना है जो आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर दे या एनर्जी सक कर ले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक केयर ऑफ द एनर्जी एंड देन थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने अगले सनसाइन की, और वो सनसाइन है जेमिनी। मिथुन राशि वालों के लिए देखते हैं कि अब कार्ड्स हमारे आज के लिए क्या स्पेशल मैसेज देंगे आपको। पहला कार्ड मैं यहाँ पे निकालूंगी, वो है 4 of Wands का कार्ड, और दूसरा कार्ड यहाँ पे है 6 of Pentacles का कार्ड। 4 of Wands का कार्ड आपको ये बता रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की शुरुआत यहाँ पे आज हो सकती है, या ये कार्ड 11-11 टू पिलर्स ऑन ईच साइड यानी कि ट्विन फिल्म कनेक्शन को भी दिखाते हैं। तो अगर आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में है जो बहुत टाइम से टू एंड फ्रो चल रहा है, आप ये समझ जाइए कि ये जो रिलेशनशिप पैटर्न है ये या तो सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। 6 of Pentacles का कार्ड आपको ये एडवाइस करता है कि आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में करते हैं वो बहुत ही इक्वली करिएगा, यानी कि जो आपकी एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। यू हैव टू नेवर टेक साइड्स इन योर लाइफ। अब बात करेंगे हम कर्क राशि की या फिर कैंसर सनसाइन वालों के लिए टैरो की तरफ से क्या स्पेशल मैसेजेस हैं आज के लिए वो देखते हैं। पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो है 8 of Swords और दूसरा कार्ड आपके लिए आया है 10 of Swords। अगेन अ हाई स्वॉर्ड एनर्जी, विच मीन्स आप कुछ तो ऐसा करके थक चुके हैं और आपको लग रहा है कि अब इसके आगे कोई लाइफ नहीं है या इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, बट दैट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल, बिकॉज 8 of Swords ये कह रहा है कि ये जो आपकी एंडिंग आपको लग रही है ना वो एक्चुअली एक बिगिनिंग है, एंड द बिगिनिंग इज हियर टू स्टे। सो दैट इज वॉट यू नीड टू फोकस ऑन राइट नाउ। मूविंग ऑन नेक्स्ट वील टॉक अबाउट लियो सन साइन या फिर सिंह राशि। टैरो से देखते हैं कि आप लोगों के लिए आज का क्या स्पेशल मैसेज है। फर्स्ट कार्ड दैट आई विल पिक हियर इज 2 of Cups एंड सेकेंड कार्ड जो आपके लिए आया है वो है 9 of Swords। देखिए यहाँ पर ना एक एक्शन की बात हो रही है, कोई एक ऐसा एक्टिव मेजर लिया जाएगा या तो आपकी साइड से या आपकी तरफ कोई लेगा। तो आप या तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी का कॉल, मैसेज, यू नो एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन, या आप किसी को रीच आउट कर सकते हैं। एंड दिस एनर्जी इज़ बेसिकली अराउंड लव एंड रिलेशनशिप्स, सो दैट इज़ द मैसेज फॉर यू फॉर टुडे। सो वी आर हाफ वे थ्रू एंड नेक्स्ट सन साइन दैट वील टॉक अबाउट इज वर्गो। हिंदी में हम इसको कन्या राशि बोलते हैं। टैरो की तरफ से क्या मैसेज हैं आज हम आपको ये बताएंगे। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है वो है 2 of Cups और सेकेंड कार्ड आपके लिए जो आया है वो 8 of Pentacles। इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यू कांट लेट थिंग्स हैपन ऑन इट्स ओन, थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए। एंड द नेक्स्ट सन साइन इज लीब्रा और हिंदी में हम इसको तुला राशि भी बोलते हैं। तुला राशि वालों के लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेज हैं आज के लिए वो हम देखेंगे। पहला कार्ड है 7 of Pentacles का
और दूसरा कार्ड है चैरियट का। तो कुछ भी ऐसा मूव आप ले सकते हैं आज जो कि आपके आगे वाली सक्सेस और ग्रोथ के लिए बहुत एक क्रूशियल चीज़ है। जो मेहनत आपने अभी तक की थी, आप समझिए आज वो दिन आ गया है, आज से वो दिन आ गया है जब वो मेहनत आपकी रंग लाना शुरू कर देगी और वो रिजल्ट्स आपको दिखने लग जाएंगे। मूविंग ऑन, वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट सन साइन विच इज स्कॉर्पियो, और हिंदी वालों के लिए ये वृश्चिक सन साइन या वृश्चिक राशि की बारी है। तो टैरो कार्ड से देखते हैं आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है या क्या मैसेज है जो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स आपके लिए पहला कार्ड है वो निकला है, और दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स। देखिए दोनों नाइट की एनर्जी है, यानी कि बहुत टू एंड फ्रो एनर्जी है, बहुत क्विक एनर्जी है। तो बोथ इन टर्म्स ऑफ इमोशंस एंड बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्शंस आपको आज ऐसा लगेगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, पूरी दुनिया जीत सकते हैं, तो थोड़ा सा काम डाउन करने की जरूरत है आज। चीज़ों को आराम से सोचिए, समझिए और फिर करिए। लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट आर नेक्स्ट जोडियाक विच इज सैजिटेरियस। धनु राशि वाले लोग जो हैं, आइए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं तो टैरो कार्ड्स की तरफ से आपके लिए एप्लीकेबल होंगे फॉर टुडे। फूल का कार्ड आया है आपके लिए और सेकंड कार्ड आपके लिए आया है फोर ऑफ वांड्स का। तो कोई एक ऐसा डिसीजन आप जो बहुत टाइम से लेना चाह रहे हैं, बट आप ये सोच रहे हैं या डर रहे हैं क्योंकि लोग उस डिसीजन से अप्रूव नहीं कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद अब उस चीज़ पे सक्सेस नहीं पा पाएंगे, बट आई एम टेलिंग यू दैट whatever you're deciding, whatever you plan to do, वो आप अपने लिए करोगे और वो बहुत अच्छा होगा। तो लोगों की बातों में ना आइए, आप अपना दिमाग लड़ाइए और फिर वो स्टेप लीजिए। एंड द नेक्स्ट सन साइन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इज कैप्रिकॉर्न। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो मकर राशि वालों के लिए देखते हैं कि टैरो की तरफ से क्या स्पेशल मैसेजेस हैं जो आपके लिए आज आए हैं। पहला मैसेज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ से है और दूसरा मैसेज फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड एनर्जी है, यानी कि आप किसी बात को लेकर के बहुत परेशान हो सकते हैं, या आपसे कोई कुछ कह देगा या आपको किसी की बात बुरी लग जाएगी, कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है। सो डू नॉट फोकस ऑन व्हाट पीपल आर सेइंग, लिसन टू योर इनर वॉइस एंड बाकी कुछ ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड वी हैव कम वेरी फार and have reached the 11th sign of the zodiac which is Aquarius sun sign. हिंदी में हम इसको कुंभ राशि भी बोलते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है जो हमारे टैरो कार्ड्स बोलना चाहते हैं। पहला है डेविल का कार्ड और दूसरा है टू ऑफ वॉन्स का कार्ड। थोड़ी सी इंटेंस एनर्जी है, और ये भी हो सकता है कि आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो आज, क्योंकि डेविल का कार्ड ये दिखाता है कि आप नेगेटिव एनर्जी से सराउंडेड हैं। सो यू नीड टू वर्क ऑन क्लियरिंग योर एनर्जी फ्रॉम दी सराउंडिंग्स। एक आप स्मोक दे सकते हैं अपने पूरे घर को, जैसे धूप जला सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो स्मोक पैदा करती है, उससे अपनी एनवायरनमेंट की एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टेप जो है आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ओवरऑल एनर्जी क्लेंसिंग के लिए। जो प्लानिंग आपकी है, जो आगे का फोकस है, वो और भी क्लियर हो जाएगा इफ़ यू क्लेंस योर एनर्जी अराउंड यू। एंड वी हैव रीच्ड टू द एंड विच इज़ टॉकिंग अबाउट सन साइन पाइसिस, या फिर अगर हिंदी में बोलें तो मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए देखते हैं कि क्या स्पेशल मैसेज हमारे टैरो कार्ड्स हमें देंगे। यहाँ मैं दो कार्ड पिक करूँगी। पहला है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और दूसरा है मून का कार्ड। कहीं पे कोई तो ऐसी शुरुआत है जो वर्क वाइज आपके लिए शुरू हो गई है, या तो आपने कोई ऐसा स्टेप लिया है जिससे कि काम की नई शुरुआत हो सकती है। मून की एनर्जी साथ में ये दिखा रही है कि बहुत सारे आपको ना अपने बारे में ही सेल्फ डाउट या नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। सो यू नीड टू पुश बैक दोज नेगेटिव थॉट्स एंड वर्क टूवर्ड्स योरसेल्फ। और इसी के साथ आज की रीडिंग मैं कंप्लीट करूँगी। कल मैं फिर से आपको मिलूंगी ऑल जोडियक साइन के साथ, सारी 12 राशियों के साथ। थैंक यू सो मच।